हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। प्रतीक के साथ लड़ाई करने के बाद रिद्धिमा पंडित हो गई है आपे से बाहर। सब लोगों ने मिलकर उनको संभाला है, तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहला राउंड शुरू होते ही एक्चुअली में शमिता और वहां पर राकेश और जिशान ने ये डिसीजन लिया कि कामचोर कपल कनेक्शन जो है वो रिद्धिमा पंडित और करण है। हालांकि बिग बॉस ने ये चीज रोक दी थी और उसके बाद रिद्धिमा पंडित और करण नाथ जो है वो अपना पक्ष दे रहे थे, जिसके बीच में जो प्रतीक शेषपाल है वो काफी ज्यादा घुस रहे थे, जिसके कारण रिद्धिमा पंडित को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद उनके बीच में काफी ज्यादा बहस हुई। और बहस होने के बाद वो शमिता के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा हुई कि आप ऐसे कैसे हमें कामचोर बोल सकते हैं, आप जहां पर लोग काम नहीं कर रहे थे मैं आपके साथ वहां पर थी और आपको दिखाया था और आपको पता है कि हम कितना काम करते हैं और कितना काम नहीं करते हैं, आप ऐसे कैसे डिसीजन दे सकती है। जिसके कारण शमिता ने बोला कि मैंने मजाक सोचा, तो रिद्धिमा पंडित ने बोला कि मजाक तुम ऐसे कैसे ले सकती हो। इस बीच में रिद्धिमा पंडित काफी ज्यादा आपे से बाहर हुई, उनको प्रतीक शेषपाल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्होंने अपने दांत पीसे, काफी ज्यादा चिल्ला रही है, रो रही है, अपने बाल पकड़ रही है, जिसके कारण वहां पर शमिता, राकेश और भी घर के काफी सारे सदस्य जो है वो रिद्धिमा पंडित को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में जो कि प्रतीक शेषपाल है, इनको उनका जो ग्रुप है वो घर के अंदर ले गए हैं और रिद्धिमा पंडित जो है वो गार्डन एरिया में है और करण नाथ जो है वो अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं साइड में, क्योंकि ये चीज जो है वो उनसे भी आपे से बाहर हो चुकी है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये कनेक्शन जो है वो कामचोर है? मैं बात कर रही हूं करण नाथ और रिद्धिमा पंडित के बारे में। भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने इनको काफी ज्यादा काम करते हुए देखा है। आप जरूर बताइए कौन सा कनेक्शन कामचोर है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।